हेलो एवरीवन, दिस इज 1822। आप सभी का स्वागत है टाइम ट्रैवल सर्वाइवल में। लास्ट एपिसोड में हम हमारी इजिप्ट वाली एरा कंप्लीट करके इस कॉलोनियल एरा में पहुंचे थे जो हमारी करंट एरा है, एंड यहां पर हमको एक सिविलाइजेशन स्टार्ट करना है। हमने लास्ट एपिसोड में ये मस्त वाला घर बना लिया था, हमने हमारा हब का फ्लैग पोस्ट लगा लिया, और यहाँ पर मैंने ऐड करी है ETP एंड उसके साथ साथ हमारी वर्क बेंच, फर्नेस, और यहाँ पर एक चेस्ट भी बना लिया हमने सामान रखने के लिए। ये देखो, हमने सारा सामान जो है कलेक्ट करके रखा पहले से। अब हमें एक बेड लगाना है इसके अंदर। तो हमारा जो टेक ट्री है कॉलोनियल एरा का, उसमें हमने TP कर लिया है, TPA बिल्ड कर लिया। अब बेड लगाते हैं। सो ये रहा हमारा बेड जो हम ये वाले घर के अंदर लगाने वाले, और शायद से अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। नाइस, इसको बिल्ड करो, वन शॉट बिल्ड। नाइस, अब टैक्ट्री देखते हैं। ओके, हैंड हेड ओवर टू योर कॉलोनियल हब फ्लैग एंड होल्ड ई एंड प्रेस रिक्रूट इन योर कॉलोनिस्ट टू गेट योर फर्स्ट कॉलोनिस्ट। द मोर बेड यू हैव द मोर कॉलोनिस्ट यू कैन रिक्रूट। कॉलोनिस्ट ऑल्सो रिक्वायर फूड, सो डोंट गो ओवर बोर्ड जस्ट येट। ऑलराइटी, तो माइनक्राफ्ट में जैसे हमारे पास जितने बेड रहते हैं उतने विलेजर्स रहते हैं। मतलब अगर आपने चार बेड लगाया तो वो दो विलेजर्स ब्रीड करके पूरी फैमिली चार बेड की कर लेंगे। ऑलराइटी, तो सेम ऐसा ही है। तो अब हमें हमारे फ्लैग पे जाना है। मैंने फ्लैग फालतू में ऊपर लगा दिया। ओके, मैं एक्सेस तो कर सकता हूँ इसको। रिक्रूट कॉलोनिस्ट। नाइस, किधर है? एक कॉलोनिस्ट ऐड हुआ है। ओई हेलो मिस्टर, इसका नाम क्या है? ई ऑन द स्ट्रक्चर यू वॉन्ट टू असाइन द कॉलोनीज, फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप प्लॉट, अ माइन और गार्डिंग स्पॉट। नाइस, हम इसको काम दे सकते हैं। ओह, तो मुझे क्रॉप प्लॉट बनाना पड़ेगा पहले। ओके, पहले मैं ये प्लेस करता हूँ। ओह, यहाँ पर हमने इसको, नाइस, तो ये यहाँ पर आके काम करेगा अब हमारा। और वहाँ पर एक बैर आ गया, इस बैर को मारना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा क्लोज है हमारे टेरिटरी के। नाइस डूड, ये कॉलोनिस्ट को मारेगा क्या? कॉलोनी सक्सेसफुली असाइंड एज बेरीज फार्म वर्कर। मतलब ये बेरीज लगाते रहेगा निकाल निकाल के जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी। मैं अंदर जाता हूँ, पहले सामान रखता हूँ, मेरे पास बहुत सारा सामान है। ओके, तो मैंने इसको अपने काम पे लगा दिया। अब देखते हैं कि क्या है। योर कॉलोनिस्ट माइट नॉट बी हंग्री येट, बट दे श्योर विल बी सून। बिल्ड अ फ्यू बेरी क्रॉप प्लॉट्स, असाइन अ कॉलोनिस्ट टू फार्म देयर। डोंट फॉरगेट अ कॉलोनिस्ट बास्केट नियर बाय फॉर अ कॉलोनिस्ट टू एक्सेस कॉलोनीज इन्वेंट्री। कॉलोनिस्ट बास्केट, ओके, तो मुझे क्रॉप प्लॉट और लगाने पड़ेंगे। बेरीज आर ओके, बट ब्रेड इज वेयर इट्स हॉट। लेट्स वर्क ऑन मेकिंग सम। फर्स्ट वी नीड टू स्टार्ट फार्मिंग वीट विथ वीट क्रॉप प्लॉट। वीट का भी है, अच्छा बेरीज का है और वीट का है, तो मैंने कौन सा बनाया है? ओह देखो, यहाँ पर वीट लगा दी इसने। और बेरीज में क्या है कि बेरी उगती है एक प्लॉट पर। इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है, ये ऐसे क्यों दिख रहा है पर? ओ कॉलोनिस्ट बास्केट, ये रही, ये शायद यहाँ लगा दूँ मैं पास में तो ये शायद इसको एक्सेस कर पाए। मे बी इस ट्री के नीचे लगाते हैं। नाइस, ओके, तो इसमें ये सब डालेंगे स्टोरेज आई थिंक। देखो, हमारे वीट इतनी जल्दी उग भी गए सारे, पर इसको हार्वेस्ट करने के लिए मैंने लगाना था। और एक वुल्फी आ रहा है वहाँ से। ये वाला शायद कुछ बग हो गया, ये काम नहीं कर रहा है। मुझे इसको ब्रेक भी नहीं कर सकता अब। पर ये दो बैरी फार्म काम कर रहे हैं हमारे, और इसके अंदर आएंगे। अब मुझे शायद एक और बेड लगाना पड़ेगा। देखो, हमने सेकंड बेड भी ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमारी सेकंड कॉलोनिस्ट भी आ गई है। देयर शी इज। अब इसको हम असाइन कराएंगे यहाँ पर टू स्टार्ट फार्मिंग। नाइस, अब ये वीट फार्म करेगी हमारे लिए। कम ऑन, नाइस। और देखो, अब ये बेरीज कलेक्ट करता है और इसके अंदर डालता है, ये इसके अंदर इकट्ठा होगा। अब यहाँ पर ये तीन प्लॉट जो हैं ये बेरीज के हैं, एंड ये दो प्लॉट हमारे वीट के हैं, और ये दोनों हमारे फार्मर हैं। इसलिए आपको ये क्रॉप पॉट लगाओ और फिर यहाँ पर ये बास्केट लगा दो, ताकि वो वहाँ से हार्वेस्ट करके सारा इसमें स्टोर करते रहें, ईजी पीजी। अब देखो इसमें क्या है। अब हम इसमें कॉलोनिस्ट वुड कटिंग टेबल लगा सकते हैं, मतलब वुड कटिंग का भी जॉब दे सकते हैं, हैंड मिल का दे सकते हैं। बैकिंग कैंप फायर, प्रोसेस वीट फ्लोर इनटू ब्रेड विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू कॉलोनी हब फॉर हंग्री कॉलोनिस्ट टू ईट। ओके, कैन ऑल्सो बी कम्बाइंड डायनासोर मीट विथ ब्रेड फॉर टेमिंग बिगर डायनासोर इन डायनासोर एरा। ओ माई गॉड, तो हम एक काम करते हैं, हैंड मिल बनाना है हमें, कटिंग टेबल बनाना है,
ये दो चीज़ें बनाते हैं, उसके बाद बेकिंग कैंप फायर भी बनाएंगे। सो हमने यहाँ पर एक और घर बना लिया, क्योंकि इसमें एक रूल है दैट कॉलोनिस्ट अगर आपको बढ़ाना है तो बेड लगाने पड़ते हैं, और बेड आप एक घर में सिर्फ दो बेड लगा सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं। तो ये एक और छोटा सा घर बनाया हमने, यहाँ पर भी हम एक और बेड लगा रहे हैं। मैंने दो कॉलोनिस्ट बना लिए, डायनासोर लेदर चाहिए और हमें, ये देखो। और हमने हमारे क्रॉप प्लॉट भी बढ़ा दिए, और हमारा बास्केट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, भर रहा है बेरीज और वीट से। अब हमें एक और कॉलोनिस्ट बढ़ाना है, जिसको हम यहाँ पर रोल देंगे। अब जैसे ही बेड लगा दिया आपने, एक न्यू रिक्रूट न्यू कॉलोनिस्ट, ये आ गया। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर रोल देता हूँ, असाइन कलेक्ट हैंड मिल के लिए। नाइस, ए वो वहाँ से वीट कलेक्ट करेगी, राइट? तो फिर मैंने हैंड मिल यहाँ लगानी चाहिए, फिर ये वहाँ पर जाएगी, और हैंड मिल से हाँ मुझे इसको वहीं लगाना चाहिए फिर इसके पास। और ये जो है ये हमारा ब्रेड मेकिंग वो है, कैंप फायर, बेकिंग कैंप फायर है। देखो अब यहाँ से इसने आटा लिया जो फ्लोर बनाया है, और वो फिर वो यहाँ पर आके रखेगी। सी ये आ गया इसके अंदर। तो मैं काम करता हूँ, वो जो फ्लो वही ये कहाँ से आया? टेक दिस भागता है वुल्फी पर, पता है इसमें देता है वुल्फी से और दूसरे एनिमल से भी हमको हाइड शाइड मिलनी चाहिए थी, पर सिर्फ मीट मिलता है। कोई बात नहीं, इसको वापस तोड़ना पड़ेगा मुझे, और फिर इसको मुझे वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उस घर के पास में इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इसको डिस्ट्रॉय कैसे करते होंगे किसी पता नहीं। चलो अब ये काम कर रही है तो करने देते, कम से कम थोड़ा लगेगा रियलिस्टिक कि यहाँ से उठा के ये सब वहाँ रख रहे हैं। अब इसके अंदर ये रॉ एनिमल मीट भी है, इसको भी डाल देता हूँ। अब देखो, अब हम ये लेते हैं वीट फ्लावर, आटा लेते हैं, और इसको अब इसमें हम कैसे ब्रेड में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। नो जॉबलेस कॉलोनिस्ट फाउंड, मैं खुद नहीं कर सकता क्या इसको? ओके, मुझे एक देना ही पड़ेगा इसको, मतलब कुछ कुछ जॉब है जिसमें आप नहीं कर सकते, आपको कॉलोनिस्ट को देना पड़ता है। तो मुझे एक और बेड लगाना पड़ेगा, प्लैंक एंड फाइबर लेके आता हूँ मैं। चलो हमने ड्राइंग रैक भी प्रिमिटिव एरा से यहीं पर ही लगा दिया है, वो रहा हमारा ड्राइंग रैक, और इसमें डायनासोर हाइट जो है वो आ जाएगी, डायनासोर लेदर। लेदर दूसरे एनिमल से भी मिलता ना तो सही रहता, बस वही उन्होंने इसलिए करा है ताकि हम दूसरे एराज में भी जा सकें, नहीं तो फिर कुछ काम नहीं डायनासोर एरा में वापस जाने का। ओके, एक और बेड लगाना है मुझे। हमारे घर में एक फाइबर हुआ हुआ ढेर सारा, एक पेड़ भी हुआ हुआ है, इसको भी काटो, एक नहीं दो दो पेड़ है। ओके, अब एक और रिक्रूट न्यू कॉलोनिस्ट, ये आ गया भाई हमारा। एंड अब इसको मैं ये देता हूँ टास्क। नाइस, बेकिंग वर्कर। अब वो वहाँ से लेकर आएगा। एक काम करता हूँ, मैं कॉलोनिस्ट बास्केट में इधर भी लगा देता हूँ, ताकि वो यहाँ पर डालते रहें, सब कुछ काम करते हैं, यहाँ लगाते हैं इसको। नाइस, अब देखते हैं ये दोनों इधर आएंगे या उधर ही जाएंगे फिर सीधा। ओ इधर ही जा रही है ये, और इसमें डाल रही है। नाइस, ये ऊपर क्या है? ये शायद प्रोग्रेशन बाहर है कि ये कितनी जल्दी एक ब्रेड पका रहा है। अब देखो इसके अंदर इसने वीट डाला। अच्छा, ये दोनों एक्सेसिबल रहता है। ओके, समझ गया मैं, दोनों की इन्वेंट्री सेम ही रहेगी। नाइस, आई थिंक सो, उन दोनों को इधर आने की ज़रूरत नहीं, यहीं से ही काम चलाएंगे। ब्रेड रखा क्या इसने? नहीं, अभी तक ब्रेड नहीं आया। ओके, ये कंप्लीट हुआ। नाइस, और इसी फूड पे हमारे कॉलोनिस्ट जो हैं कितने, 1, 2, 3, 4, चार हैं। दो हमारा फार्मिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं उस फार्मिंग का, दोनों मिलके। नाइस जॉब। अब हम देखते हैं हमारा टेक्ट्री क्या चल रहा है टेक्ट्री में। तो ब्रेड हमने बना ली है, ब्रेड एंड मीट। यूज द बेकिंग कैंप फायर टू कंबाइन ब्रेड एंड डायनासोर मीट, एंड इवन द बिगेस्ट डायनासोर्स वोंट बी एबल टू रेजिस्ट यू एनी मोर। ब्रेड एंड मीट, ओ गोइंग रेंज, वी मस्ट प्रिपेयर फॉर बैटल, क्राफ्ट अ बो इन द स्टोन क्राफ्टिंग टेबल। ओके, स्टोन क्राफ्टिंग टेबल अभी तक मैंने इस वाले एरा में नहीं बनाया, रॉक चाहिए इसके लिए हमें, तो अब हमको अब जाके बो मिलेगा। नाइस, वेरी गुड। ये स्टोन क्राफ्टिंग टेबल कहाँ रखूँ मैं, यहीं रख दूँ। ओके, इसमें हम बनाएंगे हमारा बो, डायनासोर लेदर, 6 फाइबर एंड प्लैंक्स। और क्या है देखें पहले टेक ट्री में। वाटर व्हील पावर, फाइंड सम वाटर एंड बिल्ड अ नियर बाय वाटर मिल। वाटर व्हील कनेक्टेड टू एन आयरन फर्नेस टू गेट योर कॉलोनिस्ट टू हीट आयरन फॉर यू एंड विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ वुड। नाइस, ये सही है। वाटर व्हील एंड व्हाट इज़ द बिगेस्ट, द बिगर द बेटर, दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट येट अनलॉक्ड। शायद हम बड़े डायनासोर्स को टेम कर पाएँ, तो वाटर व्हील, ये रहा वाटर व्हील।
ऑलराइटी देन, इसकी तैयारी करते हैं हम वाटर व्हील की। और मुझे अब जैसे हर घर में दो कॉलोनिस्ट रह सकते हैं ना, तो हमें हमको ये घर और बढ़ाने पड़ेंगे। इधर बहुत सारी स्पेस है जहाँ पर हम हमारा ये जो छोटा सा साम्राज्य है वो फैला सकते हैं। ईजी क्लैप। ओके, हम डायनासोर मीट लेके आए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि हम कंबाइन करते हैं मीट एंड ब्रेड को तो क्या होता है। नाइस, डायनासोर मीट एंड ब्रेड। अब हमारे टेक्ट्री में कुछ अनलॉक हुआ होगा। यू ब्रेड एंड मीट टू टेम अ बिगर डायनासोर, परहैप्स अ ट्राइसेराटॉप्स और अ कार्नोटोसॉरस। होली। ओके, पहले हम ट्राइसेराटॉप्स को हम टेम नहीं कर सकते, सिर्फ यूटा रैप्टर्स को ही टेम कर सकते थे। पावर व्हील, हमें पावर व्हील बनाना है। फिर देखते हैं गोल्ड ओर एंड कोल माइनिंग ओर। नाइस, गोल्डन सिकल भी बनेगा फिर हमारा। चेस, आई कैन क्राफ्ट अ बो। ओके, नाउ वी कैन क्राफ्ट अवर बो। इससे अब हम लॉन्ग रेंज फाइट ले सकते हैं। नाइस, कुछ अनलॉक हुआ है क्या टेक्ट्री में? वी मस्ट प्रिपेयर फॉर बैटल। ओके, हॉस्टाइल नेबर्स, अ हॉस्टाइल कॉलोनी हैज बीन डिटेक्टेड, गेट योर सॉर्ड एंड बो रेडी देन स्ट्राइक हिम डाउन बाय द प्रीशियस गोल्ड ओर द होल्ड। ओ माई गॉड, मतलब हमारी हॉस्टाइल कॉलोनी भी आ गई, मतलब पहले से ही हमें वॉर के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास जाके उनसे दोस्ती करें और बोले कि भाई साहब थोड़ा सा गोल्ड और हमको भी माइन करना सिखा दो, बट नहीं नहीं नहीं, वी वॉन्ट वॉर, दैट्स ऑल, वी सेटल फॉर नथिंग, ओनली वॉर। ओके ओके, तो मैं अब ये बनाता हूँ, पहले वाटर व्हील बनाते हैं हम, ठीक है? ओके, वी आर रेडी टू बिल्ड दिस वाटर व्हील। कहाँ लगाएं इसको? नाइस, क्या बात है, गुड। अब क्या होगा? कनेक्टेड टू आयरन फर्नेस। हाउ, इसको कनेक्ट करूँ मैं वहाँ पे ले जाके, ऐसा कह रहे हैं क्या? होली स्मोक्स, सी हमने आयरन फर्नेस बनाया, इस व्हील से ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, ईजी। अब यहाँ पर इसमें हमको सिर्फ आयरन पुट करना है शायद, पर हमें इसमें कॉलोनिस्ट को जॉब देना पड़ेगा, तो हम देखते कौन सा जॉब है जिसकी ज़रूरत अभी है नहीं, क्योंकि हमारे पास बेरीज है, खाना बहुत सारा है, ब्रेड भी बहुत सारे बना लिए। अब मैं काम करता हूँ, हम इसका चेंज करते हैं जॉब। नाइस, अब हमने ये जॉब दे दिया। अब ये देखो, यहाँ से ओर फाइंड करेगी, ओर है इसमें और नहीं है। आई रिक्वायर आयरन ओर। ओके, इसमें पड़े हुए आयरन ओर, मैं इस वाले बास्केट में डाल देता हूँ, तो यहाँ से ये उठाएगी और लेके जाएगी। कम ऑन, सी ये आयरन लिया इसने और वो उसमें पुट कर देगी जाके। मुझे एक और बास्केट बनानी पड़ेगी। शीश, बस फेंक के मारा इसने। चीज, अब ये रखेगी वहाँ पर ले जाके। खूब, ये सही है, एक मेहमत खुश रहा। अब हमारी क्या चीज़ें अनलॉक हुई है, लेट्स सी। अब हमारी गोल्ड ओर अनलॉक हो गया है। अ गोल्ड डिपॉजिट हैज़ बीन डिटेक्टेड एंड मार्क्ड ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो हॉस्टाइल से भी हम चुरा सकते हैं गोल्ड ओर और माइन भी कर सकते हैं। कहाँ मार्क हुआ है? वो रहा वहाँ पर, उस माउंटेन पर। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट दिस कोल्ड कोल माइनर माइन फॉर कोल यूज टू क्रिएट स्टील एनीथिंग एल्स नथिंग एल्स कोल 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 नाइस सो हमने आज बहुत सारी अभी इसके पास एक ओर्स ख़त्म हो गए अच्छा नो स्लॉट्स टू डिपॉजिट अब मुझे एक और बास्केट बनानी पड़ेगी कॉलोनिस्ट के लिए ये रही बास्केट इसको मैं यहाँ रखता हूँ ताकि यहाँ से भी ले सके। नाइस, होप ये इस तरफ आए। ओके, तो जैसे जैसे आप बास्केट बढ़ाते हो स्लॉट्स बढ़ते जाते हैं। ओके, सो हमारा काम का शुरू हो गया है, खाना, फार्मिंग, बाय प्रोडक्ट, फर्नेस पे काम हो गया। अब नेक्स्ट थिंग है हमें और आयरन ओर कलेक्ट करने, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, वहाँ पे जाके उस माउंटेन पे जाके गोल्ड ओर माइन करने हमें। ओके, तो मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टाइम ट्रैवल सर्वाइवल। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। See ya.